अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको हम आगे जाएंगे वही हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियोज हैं इनके फार्मूला याद रखेंगे और इनको कैसे हम निकालेंगे। मान लो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रखो, ए बी सी। यहाँ पर एंगल कितना होता है 90 डिग्री, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको पहले अगर साइन ए निकालना है, ये ए मैंने आपको कल बोला, मैं यहाँ साइन थीटा रखूँ, ये थीटा मीन्स एंगल होता है। साइन थीटा क्या होता है, रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। इसके बाद हमने पढ़ा है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये थीटा कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा वही एंगल है जैसे हम कल साइन ए लिख रहे थे, कॉस ए लिख रहे थे, टेन ए लिख रहे थे, यहाँ ए था, अब आज थीटा नहीं है। आप कभी कवर थीटा इस जगह लिख सकते हो, कभी कवर थीटा इस जगह लिखते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। टेन थीटा किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या मैंने आपको कल बोला साइन और कॉस का डिवाइड भी टेन बनता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसके बाद आपको इन तीनों का अपोजिट याद होना चाहिए, साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा वो इसका फार्मूला क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट क्या होता है, sec होता है sec थीटा, वो क्या आएगा फार्मूला, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके बाद tan का अपोजिट cot थीटा होता है, cot थीटा का फार्मूला बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, या होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। पहले आपको ये याद रखना है sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, या sin और cos को डिवाइड करना। अगर आपको sin पता है cos पता है तब हम सीधे फार्मूला लगा सकते हैं, sin अपॉन cos tan बनता है, और एक साथ साथ बनता है sin अपॉन cos नहीं बोल रहे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, या अगर एंगल sin a डिवाइडेड बाय cos a। इसके बाद अगर आपको cosec निकालना है, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और cot थीटा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। मान लो हम यह निकालेंगे, मान लो आपके पास पहले ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ए बी दिया है, बी सी दिया है, आपको निकालना है साइन थीटा। मैं यहाँ क्वेश्चन बनाऊ, आप देख लेना, बहुत इजी है, खाली आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में साइन कॉस टेन का याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ऐसा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल उसका कुछ नाम रखो, ये जरूरी नहीं है ए बी सी की रखो, पी क्यू आर रखो, कोई बात नहीं। इसमें आपको पी क्यू पता है, मान लो वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और आपको क्यू आर पता है, मान लो वो 5 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है फाइंड साइन पी कॉस पी टेन, ये तीन चीजें हम निकालेंगे। मगर पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, कहीं पे वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, या पी पर, या क्यू पर, या आर पर। मैंने यहाँ साइन पी रखा, कॉस पी रखा, टेन पी रखा, अब राइट एंगल क्यों माना था, राइट एंगल एट क्यों, ये क्वेश्चन में आपका जिक्र होगा, 8.1 आपको बाद में देख लिया, यही क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मगर राइट एंगल को बोलेगा किस जगह राइट एंगल है। अब देखो इसके लिए आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, और राइट एंगल में जो 90 डिग्री है वो किस जगह पर मैंने रखा है, क्यों पर, क्यों रखा, अब यहाँ पर बी रख सकते हैं, यहाँ पर आर रख सकते हैं, आपकी मर्जी, या यहाँ आर रखो,
यहाँ पी रख या यहाँ पी रखो यहाँ आ रखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कोई इश्यू नहीं। अब मुझे पहले बोलो आपके पास पी क्यू क्यों बने, पी क्यू का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्यू आर पता है, क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम सीधे 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पहले हम ये निकालेंगे, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, छह रेशियो में कोई भी रेशियो निकालना है, पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों चीजें, तीनों साइड्स पता होना चाहिए, तब जाके हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते, वरना इसके बगैर काम को चलेगा ही नहीं। क्यों? अभी आपको मान लो आपको साइन भी निकालना है, साइन बी का फार्मूला मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मानो परपेंडिकुलर है मगर हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब क्या करना है, पहले हम बाय पीजीटी के जरिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए या हाइपोटेन्यूज दिखा लेंगे। हियर मैं सामने रखूँ क्वेश्चन को, एग्जाम में लिखने का तरीका भी दिखा रहा हूँ। हियर पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल फाइव सेंटीमीटर। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर, यहाँ पे भी निकालेंगे। पी आर निकालने के लिए आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, उसका फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैं वही यहाँ लिखूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होता है यहाँ, पी आर उसको स्क्वायर देना है, इसके बाद बेस कौन है पी क्यू उसको स्क्वायर देना है, परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर इसको स्क्वायर देना है, ये याद रखना। अब वैल्यू सीधे देना है, पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू निकालना है, ये वापस रखो पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर। अब सीधे आपको सॉल्व करना है, पी आर स्क्वायर इक्वल बोलो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 7 स्क्वायर का मतलब 7 × 7 प्लस 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25। अब इनको ऐड करना है, पी आर स्क्वायर वापस रखेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल 5 और 9 हो गया 14, 1 केरी, 2 और 4 हो गए 6 केरी, 1 था हो गया 7। अब स्क्वायर को शिफ्ट करना है तब क्या आएगा, पी आर इक्वल अंडर रूट ऑफ 74। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं वहां हम प्लस माइनस रखते हैं, मगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल जब कोई भी ट्रायंगल हो इसमें हर कोई साइड पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉजिटिव ही चूज करो। आ गया आपका ये वाला अंडर रूट ऑफ 74। इसके बाद हमें जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं, साइन पी निकालना है, खाली आप इस पी पर देख लें, देख लो मैं ये पहले रख कर रहा हूँ, इसके बाद हम जो जो हमें निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, खाली आपको एंगल देखने, साइन के साथ एंगल क्या है, कॉस के साथ एंगल क्या है, टेन के साथ एंगल क्या है। नाउ आप देख लेना ये मैटर करते हैं, साइन पी मान लो मुझे निकालना है, जब ही एंगल पी आया इस पी पर ऐसे एरो डालो, आर्क डालो, जब ही आर्क डाला इस आर्क ने दो साइड लिया, एक लिया ये पी जो, एक लिया पी आर, इन दो साइड में एक साइड डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होगा, देखो पी आर डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होता है, जो इसके बगैर साइड बचा वो बेस होता है। अब अगर आपको साइन पी निकालना, साइन पी का फॉर्मूला क्या है, perpendicular divided by base, perpendicular divided by hypotenuse। अब सीधे मैंने भी आपको बोला P पर जब आपने R डाला, P पर जब आपने R डाला, ये PR आपको पता है hypotenuse होते हैं, जो इसके बगैर साइड बैठा P जो, ये base चूज करना होता है। मान लो अगर आपको sin R निकालना है तब आपको R पर आपको R डालना है, इस आरक ने दो साइड दिया, एक हाइपोटेन्यूज होगा एक बेस होगा। अब सर ये नहीं बोलेंगे पी क्यू तो परपेंडिकुलर है, नहीं
जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ये आर दो साइड देता है, एक हाइपोटेन्यूज एक बेस। साइन आर निकालने के वक्त आपका बेस पी क्यू है और साइन पी निकालने के वक्त आपका बेस पी क्यू है। फिलहाल मैं परपेंडिकुलर पे वैल्यू दे दूं, मगर एंगल पी है। जब मैंने पी पर आर डाला, इस आर ने कितने साइड लिया, दो, एक लिया हाइपोटेन्यूज एक लिया बेस। तब तो परपेंडिकुलर कोण बचा, आर क्यू बोलो या क्यों आर बोलो, आपकी मर्जी है, हाइपोटेन्यूज के बीच चेंज नहीं होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में खाली या बेस चेंज होता है या परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, पी आर उसका नाम है। अब हम निकाल सकते हैं क्यों आर का वैल्यू, क्यों आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय पी आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 74, ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको cos p निकालना है। चलो मैं cos p के बदले cos r निकालूं, मान लो यहां cos p नहीं होता, यहां cos r होता, तब क्या करना है, फार्मूला तो पहले वही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। खाली आपको क्या करना है, r पर जाना है, फिगर में r पर जाना है, इस r पर ऐसे एरो डालना है। जब ही आपने एरो डाला, इस एरो ने, एरो मीन इज आर्क मीन इज, इस आर्क ने दो साइड दिया, एक हाइपोटेन्यूज होता है एक बेस होता है। अब आपको बेस का वैल्यू क्या है, आर क्यों बोलो या क्यों आर बोलो, आपकी मर्जी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर। अब आपका क्यों आर का वैल्यू देना है, क्यों आर का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय पी आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 74। अब अगर आपको टेन पी निकालना है, टेन पी भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, टेन पी का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मगर एंगल पर यार नजर आना, एंगल पी ए तब तो इस पर आर डालना है, बेस माना पी क्यू, पी आर हाइपोटेन्यूज है, आर क्यू क्या है, आर क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू बेस है, तब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू पी क्यू। अब वैल्यू देने के बाद आपका आंसर मिलेगा। थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।